Welcome back again my dear students this is Ajay sir always with you today we are going to discuss about the parts of human skeleton in the previous video we have already discussed about human skeleton and the kinds of bones okay and in this video we'll discuss about the parts of human skeleton if you want to watch previous video you can check the description box or i'll provide in the i button दो सौ छी है

उसका उसका बॉडी में हड्डी होगा दो सौ छीक है इसलिए बोला गया है ह्यूमन बॉडी अबाउट बोन मतलब जब जन्म लेता है बच्चा तब हड्डी रहता है तीन सो और धीरे धीरे कुछ कुछ बोन्स क्या होता है आपस में जुड़ जाता है मतलब नाइन्टी फोर बोन्स घट जाता है यह नाइन्टी फोर बोन्स कैसे घटता है ये नाइन्टी फोर बोन्स आपस में जुट जाता है ठीक ना जुट के बाद वो थोड़ा घट के दो सौ छह बन जाता है ओके हम लोग अब लो आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो बताया था कि ह्यूमन को दो हिस्से में बढ़ा गया एक दूसरा है एपेंडिकुलर स्क्रेटन तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक्सेल स्केलेटॉन सोज इन ग्रीन कलर तो यहाँ पर जो जो ग्रीन कलर का हिस्सा है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्काल है फिर रिब्स है और जो लंबा सा बैकबोन है ये तीन चीज है एक्सेल स्केट और बाकी जितना सारा पोर्शन है जैसे कि हैंड्स हैंड्स का पोर्स लेग्स लेग का पोर्शन ठीक है गार्डल्स girdle, ठीक है फिंगर्स नीज ये सब आता है एपेंडिकुलर में ओके okay? तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सल स्केलेटन के बारे में उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में ओके सो नाउ यार यू कैन सी द टोटल एक्सियल बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी ओके सो व्हाट आर द बोन्स दैट आर एक्सील बोन्स न सी अकॉर्डिंग विदर्स तो क्रेनियम क्रेनियम है और फेस में फोर्टीन बोन्स रहता है छवेंटी सिक्स स्टार नाम एक रेबी फोर तो टोटल एक्सलिटन जो बोन है वो होता है टोटल एट्टी ठीक है अब so, दूसरा जो है अपलर स्केलेटन ठीक है एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए फोर लिम में रहता है सिक्सटी फाइन लिम में रहता है सिक्सटी गार्डल बोन में रहता है छह फोर लिम मतलब सामने का जो अंग है ठीक है सामने का जो दो हाथ है ना वो है फोर लिम फोर लिम में टोटल सिक्सटी बोन्स है फाइन लिम्ब मतलब दो पैर जो है उसमें रहता है सिक्सटी और गार्डल मतलब पेट्रोल गार्डल ठीक है कंधों में जो पेट्रोल गार्डन है और पेलविक गार्डन पेलविक गार्डन जो है इसमें रहता है टोटल मिला के छह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आप टोटल बोन जो है वो कितना हुआ ठीक है यहां पर देखिए सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस सिक्स तो एक सौ बीस और छह एक सौ छब्बीस उसके बाद यहाँ पर जो है एट्टी तो एक सौ छब्बीस और एट्टी कितना हुआ ह्यूमन बॉडी में टोटल दो सौ छह है ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में हड्डी बांटा गया है ठीक तो, है तो टोटल दो सौ छ हड्डी है आप लोग यहाँ पर देख लिया ओके अब हम लोग इसको देखेंगे एक्सएल स्केलेटन का जो पार्ट्स है वो क्या क्या है स्काल है वर्टिकल क्लाम्स मतलब बैकबोन है रिप्स है और स्टम है और अपर स्केट में क्या क्या है गार्डन्स मतलब पिक्टोरल गार्डन्स गार्डन गार्डन्स और लिम लिम्स एंड हैंड लिम्स होता है दो हाथ और लिम्स होता है दो पैर ठीक है तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्क्रेटोन को लेकर ठीक है है फर्स्ट क्या ओके शुरू करते हैं स्काल को लेकर द द दस्काल क्रेनियम कॉन्जिस्ट ऑफ एट फ्लैट बोन्स ठीक है क्रेनियम मतलब देखिए हेड का जो ऊपर का पोर्शन है जहां पर आपका बाल होता है ठीक है मतलब ये जो है ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं आप ये है क्रेनियम ठीक है इसका भी बहुत सारा पार्ट होता है ये देखिए यहाँ फ्रंटल पार्ट है टेम्पोरल पार्ट है ऑक्सीपिटल पार्ट है वाइटल पार्ट है तो बहुत सारा पार्ट होता है ब्रेन का तो जो हिस्सा ऊपर का हिस्सा है ठीक है जो फ्लैट दिख रहा है आपको वो वाला है क्रेने वाला हिस्सा और क्रेने वाला हिस्सा एट फ्लैट बोन्स लेके बनता है क्योंकि ये एट फ्लैट बोन्स आपस में जुड़ जाता है और ये इमोबल है मतलब ये मूव नहीं करता है ये जुड़ गया उसके बाद फिक्स हो जाता है मूव नहीं करते है तो ये पूरा स्काल में सभी बोन्स क्या है इमूवेबल है सिवाय लोअर जो को छोड़ के लोअर जो सिर्फ वही है जो मूव कर सकते हैं इसलिए हम लोग बात भी कर सकते हैं खाना भी खा सकते हैं माउथ को ओपन भी कर सकते हैं सिर्फ लोअर जो के मदद से और बाकी सब जो है वो फिक्स्ड है ओके okay? अब हम लोग काल के बारे में और थोड़ा देख लेंगे ठीक है पार्ट्स ऑफ स्केलेटन का हिस्सा है स्काल, जो हम लोग देख रहे हैं कि स्केलेटन का पार्ट है स्काल, ठीक है द नॉर्मल्टल इज मेड अब ट्वेंटी टू बोन्स ठीक है तो नॉर्मल एडल्ट मतलब एक अठारह साल का मानव शरीर में जो स्काल है वो ट्वेंटी टू बोन्स लेके बना है ठीक है उसमें से एट फ्लैट बोन और इंटरलॉक टूगेदर पीचर फ्लैट बोन उसमें से आठ फ्लैट बोन होता है ठीक है एट फ्लैट बोन होता है जो की इंटरलॉक होकर ऊपर का हिस्सा बनाते हैं क्रेनियम पोर्सन दे गिड और वो हेड फॉर्म करते हैं एंड फोर्टीन बोन्स फॉर्म द फ्रेम ऑफ द फेस

ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि ब्रेन जो है ह्यूमन का एक सीपीयू मशीन है कंप्यूटर में जो सीपीयू रहता है ना उसी तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है ह्यूमन का सीपीयू ठीक है और उसको प्रोटेक्शन करना किसका काम है स्काल का स्काल उसको प्रोटेक्ट करता है द स्काल नोज और स्काल में कुछ यहाँ पर देखिए कुछ छेद है होल्स मतलब छेद बड़ा बड़ा छेद ठीक है देखिए यहाँ पर छेद है आंख के लिए यहाँ पे दो आंख रहता है और ये नोज नोज में यहाँ पर

पर अटैक तो रहता है okay, भट्टी बोला रहता है थर्टी थ्री बोन दर्टिंग कुल तो ये जो बैकबोन है या स्पाइन है ये थर्टी थ्री रिंग लाइक स्ट्रक्चर लेकर बनता है ठीक है ये थर्टी थ्री स्ट्रक्चर का हम लोग बात करेंगे ठीक है वो कौन सा कौन सा हिस्सा है ठीक है उसके भी कुछ पांच पोर्स में बांटा गया है वो क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है अभी देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दिस है, जो है वो लेके बनते हैं, और वो रेस्पॉन्सिव सिस्टम का काम करते हैं ओके स्पाइनल बंडल ऑफ नर्व्स स्पाइनल जो है वो

भट्टीबीर कॉलॉम लेके बना है इसलिए इसको हम लोग मूव कर सकते हैं सामने पीछे बेंड कर सकते हैं बॉडी को ओके अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर देखेंगे ठीक है जहां पर हम लोग देखेंगे जो भट्टीबी कॉलम है मतलब तो जो स्पाइन है उसका क्या क्या पोर्शन यहाँ पर है देखिए ये जो लंबा सा है ना ये है देखिये एकदम ब्रेन के साथ जुड़ा है ठीक है और इसके बीच में से व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये है स्पाइनल कॉड ठीक है स्पाइनल नर्व्स जो रेस्पॉन्सिव सिस्टम का काम करते हैं ठीक है काम करते हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं का, देखिए जो है यहाँ पर देखिए कलर किया गया spine का कितना के पार्ट है। हिस्सा है जो, है जो नेक में रहता है वो है सर्वाइकल व टिबरी सर्वाइकल वी कितना रहता है सेवन पेयर देखिए लेफ्ट साइड में सेवन और राइट right साइड में सेवन तो सेवन पेयर्स वी को लेकर बनता है सर्वाइकल व ट्वेल्व पेयर्स भट्टीब्री लेके बनता है थोड़ा सी भट्टीब्री ओके देन फाइव पेयर्स लंबर भट्टी और अगेन फाइव पेयर्स सकरल और रेस्ट पोर्सन कॉक सिक्स टोटल आपको यहाँ पे थर्टी थ्री बोन्स मिल जाएगा कैसे देखिए यहाँ पर देखिए सेवन है सेवन के बाद यहाँ पर ट्वेल्व है तो सेवन ट्वेल्व नाइनटीन होता है नाइनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन थर्टी थ्री भर्ती कॉलम थर्टी थ्री भर्टीप्रा कॉलम लेके बनता है एक स्पाइनल या ओके, okay. अब हम लोग बात करेंगे केज को लेकर केज जो है वो एक्सियल चिल्ड्रन की थर्ड पार्ट है ठीक है ट्वेल्व पेयर्स ऑफ थीन का बोन्स मेक द केज ट्वेल्व पेयर्स थिन कार्व बोन्स लेके बनता है रिब केज ठीक है मतलब आपको लेफ्ट साइड में भी ट्वेल्व में भी ट्वेल्व मिल जाएगा इसलिए पेयर्स बोला गया है और कार्व्ड बोन्स बोला गया है क्योंकि वो ये आप देखिए इसका आप साइज देखिए मतलब वो थोड़ा सा कार्व है घुमाया गया है लग रहा है ना मतलब बहुत सीधा नहीं है स्ट्रेट नहीं है अगर स्ट्रेट होता तो आपका सीना फोड़ के बाहर निकल जाता ऐसा नहीं है वो थोड़ा सा सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है ना तो कार्व है मतलब घुमाया गया टेढ़ा हुआ है ओके तो इससे बोला जाता है कार्ब लाइक स्ट्रक्चर दिस मेक्स द रिब ये रिब फॉर्म करता है दे अटैच टू द बैकबोन एट द बैक और ये पीछे से बैकबोन के साथ जुड़ जाते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए अपना अगर लेफ्ट हैंड से अपना पीछे को टच करेंगे तो आपको बैकबोन मिल जाएगा और उसी बैकबोन से ये रिब केज का हिस्सा जुड़ जाता है ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू से दैट The लास्ट टू पेयर ऑफ the रिप आर नॉट अटैच टू द ब्रिज बोन्स दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग bones. यहां पर दो टू पेयर बोन्स आपको दिखाई देगा जो ब्रिज बोन से जुड़ा नहीं रहता है ठीक है यहां पर देखिए यहां पर ठीक है ये लास्ट वाला एकदम लास्ट वाला जो टू idhar इधर एक pair, इधर एक pair, ठीक है ये लास्ट वाला टू पोर्सन देखो लग रहा है कि इस वाला हड्डी है मतलब रिप के साथ जुड़ा है लेकिन सामने जो स्टारना है उसके साथ जुड़ा नहीं है

हार्ट लांगस और किडनीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं ठीक है क्योंकि देखिए हार्ट और लंग्स कहा रहता है रिपगज के अंदर रहता है तो आप लोग खेलते हैं कूदते हैं दौड़ते हैं दौड़ने के समय अगर कहीं गिर गए या फिर मारामारी करने के समय अगर कोई आपको मुक्का मार दिया सीने में तो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा आपका चेस्ट में जो रिब गज है वो आपका हार्ट लंग्स को सुरक्षा प्रदान करेगा अगर नहीं होता रिपगज आपका बॉडी में तो शायद आपका हार्ट या लंग्स फट जाता फिर आप डेथ हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिब केज मौजूद है और वो सुरक्षा प्रदान करता है हार्ट लंग्स को किडनी को भी ओके नाउ लेम्स लेम्स दिज आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर ठीक है अब हम लोग एक्सियल जो बात कर रहे थे पहले बात किए थे कि जो बोन्स का पार्ट है कुछ होता है एक्सियल और कुछ होता है अपेंडिकुलर तो एक्सियल का बात हम लोग कर लिए एक्सियल में क्या क्या था स्काल था बैकबोन था रिबकेच था अब हम लोग देखेंगे

दो पैर लिम्स रहता है दो पैर मतलब एक पैर हाथ और एक पैर पैर ठीक है तो कुल में लगे दो पैर लिम्स रहता है और आर्म्स आर नोन एज फोर लिम्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स तो सामने जो हाथ है उसे क्या रहता है फोर लिम्स फोर मतलब सामने लिम्स मतलब अंग तो सामने वाला अंग बोला जाता है हाथ को और पीछे वाला जो पैर है दो पैर को बोला जाता है हाइड लिम्स हाइन मतलब पीछे होता है ओके नाउ आर्म्स मतलब अभी हाथ की बात कर रहे हैं ठीक है हाथ की हड्डी के बारे में द आर्म्स इज मेड अपू टू पर्ट्स हाथ भी दो हिस्सा लेके बनता है द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म हेयर यू कैन सी दिक्चर देखिए हाथ को दो हिस्से में बढ़ा गया है, है ना यहाँ पर देखिए ऊपर में एक हाथ है एकदम कंधों से लेकर स्टार्ट हो रहा है एल्बो तक ठीक है ये वाला जो पार्ट है जो कंधों से स्टार्ट होकर एल्बो तक है वो है अपर आर्म और नीचे से जो है एल्बो से लेकर एकदम हैंड तक ठीक है ये वाला आर डी कहता है लोअर आर्म ठीक है तो हम लोग देख रहे हैं कि आर्म में जो है दो हिस्सा है आम का ठीक है एक है अपर आर्म एक है लोअर आर्म और यहाँ क्या चीज यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे खास चीज देख रहा है कि अपर आर्म में सिर्फ एक ही हड्डी है लोअर आर्म में दो हड्डी है है ना अपर आर्म में एक हड्डी है लोअर आर्म में दो हड्डी है और यहाँ पे ऊपर में देख रहा है एक गार्डन है ठीक है यहाँ पर कुछ फिंगर्स देख रहा है ठीक है ये एक्चुअली फिंगर्स है तो ये गया हाथ के बारे में ठीक है हम लोग इसको और एक बार यहाँ पर देख लेंगे क्या डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर दो अपर आर्म एंड द लोअर आर्म दे आर ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बोज तो दोनों आर्म हाथ का जो दो आर्म होता है अपर आर्म लोअर आर्म दोनों एक साथ जुड़ गया है एल्बो में एल्बो इज द कनेक्शन ज्वाइन बिटवीन अपर आर्म एंड लोअर आर्म द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन ठीक है अपर आर्म में एक ही लंबा बोन रहता है एंड लोहरा टू बोन्स लेकिन लोहरा में दो बोन्स रहता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो बोन्स है ठीक है एक होता है रेडियस एक होता है अल्ना आप देखेंगे ऊपर हाथ के ऊपर जो है मतलब जो अपर आम के ऊपर क्या है द शोल्डर गार्डन इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन तो एक शोल्डर ब्लेड रहता है एक और एक पेयर रहता है कॉलर बोन्स ठीक है और तो, नीचे आपको दिखाई दे रहा है कुछ फिंगर्स फाइव फिंगर्स दो हिस्सा से बना है ठीक है अपर लेग और लोअर लेग ठीक है द अपर लेग एंड द लोअर लेग और ज्वाइन टूगेदर एट द नीज लेग का दो हिस्सा होता है अपर लेग और लोअर लेग ये दो चीज नीज में ठीक है घुटने में जुड़ जाते हैं सो so, नीज इज द कनेक्शन पॉइंट ऑफ लोअर लेग एंड अपर लेग द अपर लेग इज द थाई अपर लेग जो है वो थाई है इट हैज सिंगल बोन कॉल फीमर तो लेग का जो अपर पोर्शन है वहां पर रहता है फीमर ये फीमर क्या है फीमर है सबसे बड़ा हड्डी फीमर क्या है फीमर है सबसे बड़ा हड्डी ओके जो मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी है वो है फीमर और मानव शरीर में सब सबसे छोटा हड्डी है सेपिस जो कि मिडिल ईयर में रहता है एट द नी इट इज ज्वाइंट विथ टू बोन्स ऑफ लोअर लेग ठीक है और नी में ये फीमर जुड़ जाता है दो बोन्स के साथ ठीक है दो बोन्स जो कि लोअर लेग की पार्ट है ठीक है वो दो बोन्स लोअर लेग की पार्ट है वो फीमर के साथ जुड़ जाता है नी की जगह में नी पोर्शन में तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्किल के बारे में बहुत कुछ पार्ट्स देखे हैं पार्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है एक्सेल और एक है अपेंडिकुलर ठीक है एक्सेल में क्या क्या था स्काल बैकबोन रिब केज और अपेंडिकुलर स्केटर में क्या क्या था लेम्स और गार्डेल्स मतलब फोर लिम्स हैंडलिम्स फोर लिम्स होता है दोनों हाथ जो सामने है और हैंडलिम्स दोनों पैर जो नीचे है ठीक है और कुछ गार्डल्स होता है ठीक है शोल्डर गार्डेस जो कि पेट्रोल गार्डियल्स है पेक्ट्रोल गार्डियल्स वो ए पेयर ऑफ पेक्ट्रोल ब्लेड्स शोल्डर ब्लेड एंड पैर ऑफ कॉलर बोन लेके बनता है ठीक है और पैर में हम लोग देखें पैर में भी हाथ की तरह दो दो हिस्सा है कि अपर लेग लोअर लेग अपर लेग जो है वो फिमाल जो कि सबसे बड़ा हड्डी है मानव शरीर में और लोअर लेग है लोअर लेग दो दो हड्डी लेके बनाए हैं हाथ की तरह ठीक है तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा रहा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए कोई दिक्कत रहा कोई प्रॉब्लम रहा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो किए हैं उसके लिए अच्छी बात है जो नहीं किए स्पेशली जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दीजिएगा ताकि आपको आगे और भी वीडियो मिलता रहे ऐसा तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू